अपने माता पिता के साथ तस्वीर में दिख रहा जो नौजवान है फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बाल, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। आरसपुरा क्षेत्र के मेलू का रहने वाला आदित्य बाल मौजूदा समय में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा था। कल रात को राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 पायलट शहीद हो गए, जिनमें से एक था आदित्य बाल। आदित्य बाल के बारे में जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक वह छोटी सी ही उम्र में एयरफोर्स ज्वाइन कर क्षेत्र का नाम रोशन कर चुके थे। करीब 4 वर्ष की ही उनकी वायुसेना में शामिल हुए अभी समय हुआ था, जबकि कल वह इस हादसे का शिकार हो गए। 2 भाइयों में वह बड़े थे। आदित्य ने कल ही शाम को अपनी माता को फ़ोन कर उनसे बात की, उनका हालचाल जाना था और लास्ट में बताया था कि वह अब रूटीन प्रैक्टिस पर जा रहे हैं। वहीं देर रात को इस घटना का पता चलते ही पूरे गांव में और परिवार में मातम का माहौल पसर गया। अरे बच्चे ने खोला मेरा सीधा साधा पुत्री, उन्हें गधे को आधा दिल नहीं दुखाया, मेरा साधु पुत्र आया ही है, नाने का ना साधु पुत्र, तू भी साधु गई, ओए, ओ बच्चे आ, मेरा साधु पुत्र आया ही कराओ मेरे पुत्रे, ओ नन्ने नन्नू, स्वरण लाल ये इसके फादर भी एक्समैन है। ये बच्चा जो है जहाँ से गया था, ये जिंदर मेलू का रहने वाला है, तहसील आरसपुरा, सब डिविज़न आरसपुरा, डिस्ट्रिक्ट जम्मू। और ये जिंदर मेलू के लिए ख़ास तौर पे अगर कहें तो बड़े दुखद की दुर्घटना हुई है, तो सारा गांव जो है वो शोक में है इसमें। और ये रात को इन्फॉर्मेशन लेट नाइट आई थी, अर्ली मॉर्निंग एक यहाँ से उसके फादर और उसके सहयोगी यहाँ से निकले हैं। गाँव के काफ़ी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, डेड बॉडी कब तक आएगी, और उम्मीद है कि कल 12-1 बजे तक सुना है कि डेड बॉडी पहुंचने की। नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे, मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी, आज ही कर लाए और बचत कमाए। अपने माता पिता के साथ तस्वीर में दिख रहा जो नौजवान है फ्लाइट लेफ्टिनेंट